أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شكر الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم यहाँ पर अक्सर हम माओ को कंप्लेन करते हुए सुनते हैं कि हमारे बच्चे कुछ खाते पीते नहीं हैं फ्रूट सब्जी भी नहीं खाते फ्रूट पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है तो मेरे बहन भाइयों मेरा तरीके कर आप भी ट्राई कीजिएगा बच्चे बच्चे होते हैं माँ बाप माँ बाप होते हैं उनको ख्याल होता है कि हमारे बच्चों की सेहत ठीक हो उनके दिल दिमाग ठीक काम करें चुस्त और क्लेवर हों बच्चे तो इसलिए आप उनको ऐसा फ्रूट और वेजिटेबल्स खिलाएं कि वो उंगलियां चाटते रह जाएं तो अक्सर जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव सी प्लेट भर के फ्रूट की काट के रख दें साथ में सैलड भी बना दें तो बच्चे भूखे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा चीज़ लेते हैं तो वो सारे देखा देखी वो सारी प्लेट ख़त्म कर देते हैं उसके बाद रोटी खा लेते हैं इसके अलावा आप फ्रूट सैलड बना दो या तीन फ्रूट आपके पास होंगे तो बहुत ही मज़े का फ्रूट सैलड बन जाता है तो तो भी आपका फ्रूट ज़ाया नहीं होगा और खाया जाएगा इसके अलावा आप ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड काम किया हुआ है और ले लें सेब हैं केला है नाशपाती है स्ट्रॉबेरी है ज़्यादा पक गई है बच्चे नहीं खा रहे तो आपने क्या करना है अच्छे से धो के उसको ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंड करके स्मूदी बना के देनी है आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे इनशाला मेरे YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आप बहुत ही ख़ूबसूरत फल और सब्ज़ियाँ देख रही हैं जो दरख्तों पर उग रही हैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने इतना मेवा हमारे लिए पैदा फरमाया और हमारी सेहत का हमारी ज़िंदगी का ख्याल रखा हमने इस दुनिया में आए हैं एक मसाफर की तरह अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया हमें पालने के लिए हमारे रहने के लिए हमारे खाने के लिए अल्लाह ताला ने सब इंतज़ाम किया अल्लाह ख़ालक है अल्लाह वारिस है अल्लाह राजिक है बहुत खूबसूरत अल्लाह ने फल फूल पैदा फ़रमाए और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के जायके के अल्लाह ताला ने फल और फ़्रूट पैदा फ़रमाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए फ़ूड को हर गिज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए अक्सर माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर में इतना फूड जो होता है वो पच जाता है वो ख़राब हो जाता है बच्चे खाते नहीं हैं बच्चे कमज़ोर हैं बच्चे बस टेकवे खाते हैं तो मेरे बहन भाइयों थोड़ी सी इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको बच्चों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ये फ्रूट कितने खूबसूरत कलर हैं इनके टेस्ट कितने डिफरेंट डिफरेंट हैं और कितने ये सेहत और आपके जिसम के लिए ज़रूरी हैं उगते मदाफ़त पैदा करते हैं अम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं आपके दिमाग दिल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और आपकी नशोनमा के, के लिए आपकी परवरिश के लिए आपकी बेटर ग्रोअप के लिए ये बहुत ही जरूरी है जैसा कि ये आम देख रहे हैं आम में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है जो दांतों और हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है और जैसे दूध में पाई जाने वाली कैल्शियम बन इंसान के लिए ज़रूरी होती है तो जो गर्मियों का मेवा है तो गर्मियों में जो मेवा हर चीज़ अल्लाह ताला ने मौसम के हिसाब से पैदा की होती है और उसकी उसकी अफादियत भी उसी मकदार में उसी तरीके से खाने से होती है बहुत ज़्यादा खाने से नुकसान भी हो सकता है तो यहाँ पे सर्दियों में एक तो सर्दी होती है ऊपर से माल्टे होते हैं तो जैसे लोहा लोहे को काटता है ना तो सर्दियों में जो माल्टे होते हैं वो विटामिन सी उसमें भरपूर होती है लोगों को सर्दी की वजह से आयोडीन गर्मी धूप से नहीं मिलती जिससे उनका आयन लेवल लो हो जाता है तो उनको नज़ला जुकाम बखार होता है तो विटामिन सी जो है इस ऑरेंज में होती है तो ये उनसे बहुत जल्दी सेहत याब कर देती है ये अल्लाह ताला की हिकमत है अल्लाह ताला हकीम है कई आप स्मूदीज वगैरह बनाए कोई आप ड्रिंक बना, वगैरह बनाए थोड़ा सा बीट रूट काट के उसमें डाल लें नो आर्टिफिशियल और कल ए, कलर यह हमारा स्कीम है तो इसका इतना खूबसूरत आपको कलर मिलेगा अभी भी देखने में भी देख कितने खूबसूरत मिल रहे हैं इसके स्टेम्स जो हैं इसकी शाखें देखें कितनी खूबसूरत हैं रबाब की तरह पिंक हैं तो ये मेरे बहन भाइयों आपके दिल में जो शरियानों में चर्बी जम जाती है उसको क्लियर करते हैं सुबहान ही वी हमदेही सुबहान अल्ला सुबहान अल्ज़ीम हो अभी अई अल रबी कुमात क़ो ज़ेबान तो मेरे बहन भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं खजूरों से भरपूर ट्री है छोटी सी ट्री है देखें मनों के हिसाब से खजूरें लगी होती हैं तो खज खजूरें गर्मियों में पकती हैं तो गर्मियों में खजूर खाने से गर्मी होती है तो ये अल्लाह हकीम है अल्लाह ताला को पता है कौन सी चीज़ कब इंसान के लिए बेहतर है यहाँ पे मौसमी और माल्टे का जूस निकाल कर हम अपने बच्चों को इस तरह देते हैं जब सीजनल फ्रूट होता है तो हम कट्ठा काफ़ी बॉक्स के हिसाब से लाते हैं ताकि बच्चों को भरपूर तौर पर फ्रूट और जूस वगैरह निकाल कर दिया जाए और बच्चे बहुत पसंद करते हैं वो जूस वगैरह खा के फ्रूट खा के फिर उनको ही नहीं लगती वो खाना इतना खाते भी नहीं है और स्पाइसी फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाते और ऑयल आपको पता है कितना नुकसानदेह है ये सीडलेस ग्रेप्स हैं जी पाकिस्तान में गर्मी के बावजूद ग्रेप्स बहुत अच्छे उगते हैं बस कलमें लगा के तो देखें मेरी आप सब बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें बेशक किसी के पास एक मरले का घर है दस मरले का घर है बड़े घर हैं छोटे घर हैं तो एक पौधे से दस पौधे आप ज़रूर घर में लगाएँ फलदार पौधे लगाएँ गमले लगाएँ छत पे लगाएँ ताकि आपको पता चले कि यह फ्रूट उगाना कितना मुश्किल है और मार्केट तक लाना कितना मुश्किल है और जहाज़ों में लोड होके ये फ्रूट यहाँ तक यूके में पहुँचता है और हम ताज़ा ताज़ा फ्रूट ले लेते हैं और फिर पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है पैसा भी खराब होता है फार्मर्स की बेचारों की मेहनत भी खराब होती है इन्वामेंट भी ख़राब होती है और किसी के पेट में भी नहीं जाता तो इसलिए आजकल हमने ये नया तरीका आज़माया है हम डिफरेंट कलर्स की स्मूदीज बनाते हैं यहाँ पे लेमनेट बना के रखा हुआ है मिंट वाला और स्ट्रॉबेरी वाला बनाया है और उसको कलर सही बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा बीट रूट डाल दें अनार का शरबत बनाएं जब फ्रूट ज्यादा पक जाता है तो तब आप उसकी स्मूदी बना सकते हैं जूस निकाल सकते हैं वो जो बहुत अच्छा जूस निकलता है और जूसर मशीनें इतनी महंगी भी नहीं आती तो अपने आप पर इन्वेस्ट करें अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं अच्छा पहनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें इन बच्चे आपके नेक और फरमाबदार होंगे उनकी सेहत बेहतर होगी ये हमारे आमों के बाग हैं और यहाँ पर देखें कि, कि आमों के बाग कह दिए माल्टों के बाग हैं जो सर्दियों में पकते हैं और ये पक पक के आधे तो नीचे गिर पड़े गिर जाते हैं तो जितनी ज़्यादा इनकी पिकिंग होगी जितने ज़्यादा ये पके हुए अतार लिए जाएंगे तो जो कच्चे हैं वो जल्दी से पकते हैं तो अगर उनको दरख्त पे ही लगा रहने दो तो वो ख़राब हो जाते हैं और यहाँ पे आड़ू का दरख्त है आड़ू भी पक कर भी खुबानी भी पक कर तैयार हो जाती है नाशपाती भी पक कर तैयार हो जाती है सेब पक कर तैयार हो जाता है हमारे यहाँ पर यूके में ज़्यादातर फ्रूट पकता है अक्टूबर नवंबर के महीने में जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और सर्दियों में और पाकिस्तान में ज़्यादातर फ्रूट पकता है मार्च से मई जून के महीने में तो जो सीजनल फ्रूट होता है उसको प्रज़र्व का लिया जाता है उनके मरबे बनाए जाते हैं उनके जैम वगैरह बना लिए जाते हैं अचार बना लिए जाते हैं थोड़ा ड्राई का लिया जाता है आउट ऑफ तो सीजन इस्तेमाल करने के लिए और इस तरह लोग खाना बना के गर्मियों में बाहर पिकनिक करते हैं शीट बिछा लेते हैं बाहर सूरज में और सारी बैठ के गप्पें लगाते हैं तो आप भी अपने बच्चों को टाइम दें और बच्चों को ले बाहर जाया करें और बच्चों के साथ एक्सप्लोर किया करें आपको अंदर कैद ना कर लें अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत दुनिया प्यारे प्यारे मेवे हमारे लिए खाने के लिए बनाए हैं हमें अल्लाह ताला के इस मेवे का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए और दी हुई अल्लाह की सेहत को अच्छे कामों में सर्फ करना चाहिए मेरे बहन भाइयों जब गर्मियाँ होती हैं तो कोशिश करें आपके बच्चे जो हैं वो टी शर्ट पहने उनके बाजुओं को धूप लगे उनके चेहरे को धूप लगे उनकी टांगों को धूप लगे जहाँ कम से कम आप धूप में गार्डन में बैठें ताकि नेचुरल तौर पे बच्चे आपके सूरज से आयोडीन हासिल करें जिससे आपके जिस बच्चों के जिसम में खून अच्छे से गर्दश करता है उनकी टॉप वाली स्किन बेहतर होती है और उसके साथ आप बच्चों का कोवते मदाफत अम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और बच्चों में खून की कमी कम होती है और बच्चों की हड्डियां बाजू कम टूटते हैं इतने ज़्यादा फायदे हैं तो फिर भी अगर आप हद कर देना तो हम तो पकड़ पकड़ के आपको धूप में बैठाने वाले नहीं हैं यूके में धूप बहुत कम पड़ती है सन हाइट ले लें और अपने आप को बैक कर लें सूरज की तरफ और थोड़ी देर बैठें आधा घंटा पौना घंटा तो ज़्यादातर तो लोग जो होते हैं वो गर्मियों में अपने गार्डन में लॉन्चर रख के वो जो कुर्सी टैप होती है तो वो बैठ जाते हैं काउच रख के तो सुबह से शाम तक धूप में ही रहते हैं जो गोरे टाइप जिनको कहते हैं उनको पता है कि ये धूप कितनी ही जरूरी है तो सन क्रीम लगा लें लोशन वगैरह लगा लें ताकि आपको सन बर्न ना हो और जूस वगैरह प्लंटी ले जाएं अपने साथ फ्रूट ले जाएं थोड़ा थोड़ा फ्रूट खाते रहें अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला आपको खुश रखे अल्लाह ताला आपको आबाद रखे अल्लाह ताला के आपके रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए तो अब मुझे बिल्कुल किसी से ये कंप्लेन नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे खाते कुछ नहीं है फ्रूट सब्जी गल सड़ जाता है हम ऐसे बिनों में डाल देते हैं तो यकीन करें क्यामत के दिन हर चीज़ का हिसाब किताब देना होगा जो ज़ाया किया होगा उसकी ज़्यादा पनिशमेंट होगी जो फजूल खर्च होता है वह शैतान का भाई है फजूल खर्च शैतान का भाई है ये तो आपने सुन रखा है ना तो इसलिए जो फजूल कर फजूल खर्ची करेगा जो वेस्ट करेगा तो वो इनशाला तोबा तो मेरी इस्ताफ़ अल्लाह हमको हदायत दे तो वो बहुत उसका नुकसान है तो इसलिए मेरे बहन भाइयों सादा खाओ सादा पहनो सादा रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो थोड़े से ज्यादा कर, पर अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह बेशुमार देने पर कादर है और वो قادر मुतलक है वल्लाहु खैरुRazikin वल्लाहु खैरुRazikin इन्नल्लाहा युहिब्बुल्मुसिनिन इन् يحب والله خير وارثين إن الله لطيف بعباده إن الله لطيف بعباده يرزق بغير حساب والله خير الرازقين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه تواكنا عذاب النار ربنا لا تزك قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمن إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد هزار رام बेपरवाहा शहन शाह तेरा धरना छोड़ा अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अलहमद हज़ार करोड़ा बेपरवाआ शहन शाह तेरा धरना छोड़ा बाद दुरूद मोहम्मद सरवर आल सहाँ तय और दरगाह दे अंदर अर्ज कराँ मै सें मालकें है मेरे सब शमारा रहमत तेरी अंत न कोई बेजी रहमत बारा दो जहाँ बिच सोने रखी करके गुलाम मुहमद दे तो बेरी बेहि साबा फिर भी तो बेरी मेर बों वा फर या रब रहमत तेरी। दर्द मर्द गवं बिछड़े आप मल बेौलादू दादां तूं फसला द साईं අපිකම්සවාරිීරබාසර රැහමති නදර කරතු සෙහතනාල अෆතදේමි දමීනේකමරදා ශෙහතනාලෆඇතදේමි දෙවිනේකුලාදා සබදියම් අලකාබේපරවා दूर करी परेशे परवा दूर करी ज़ीर बी मेरिय मापियां त उाद बी खुलक सारी बख़ी मेरे भेण ते भाव ताईं और बुजुर्ग त मामा बख्श चंद्र ले आई दर्द, दर्द गवाई बिछड़े आप बेौला दनू देने कुला दूफला दा। दाई आपी कम सवारी रब्बा सारे

र फकीरा सब दिया मालिका बे परवाहा दूर करी जंजीरा उड़ जाने सब रंग रंगीले नाम सही दारेना, दम दम नाले अल्लाह बख्शे अल्लाही अल्लाह कैणाम ला न तू अरशाद है तेरा असाँ आसा तरियाँ बेपरवाह परवा शहन शाह तेरियाँ रहमत ला तक न तू अरशाद है तेरा असँ आसा तरियाँ बेपरवाह परवाह शहन शाह तेरिया रहमत बड़िया बेमारा तोड़ी बंद सीर दे बेमाराई तोड़ी बंद सीरा सब दियाँ मालिका बेपरवाह दूर करी जंजीरा ਨੇਕਾਂ ਸਾਧਰ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਤਾਜ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਤਾਜ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰੀ ਰੱਬਾ ਸਾਰੇ रहमत नज़र कर दू। सेहत नाल आफियत देवी देवी ने कमरा सेहत नाल आफियत देवीं देवी ने कोला दाँ अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अलहमद हजार करोड़ा ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਦਰ ਨਾ ਛੋੜਾਂ ਨੇਕਾਂ ਸਾਥ ਰਲਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜਹਾਨੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ आपी कम सवारी रब्बा सारे रहमत नज़र कर तू सेहत नाल आफियत देवी देवी ने कमरा नाल आफियत देवी देवी ने कोला दाम दुनिया दे मोहताजन कर तू दुनिया वेच असानू आप कम सवारी रब्बा सारे रहमत नज़र कर तू सेहत नाल आफियत देवी सेहत नाल आफियत एत देवी देवी ने कमरा दा सिहताल फीयते कोला दां दमदान दरद درد दरदमां दरद गव बिछड़े आप मलाई परसी वतनूं आवण दवी

सब दियाँ मालिका बे दूर करी परेशानियां हथा तो फीकन देविया रब हथ नू तो फीकन देवी या रब हथ तो फीकना देवी चोरी तो फीक कदी न देवी करा

ದೂರ ಸುನನಾವ ಕನ್ನ ನೂತೋಫಿಕನಿ ಯಾರ ದೂರ ಸನನ್ನವಾಜು ತೋಫಿಕನಿ ಚುಗಲಿ ನಾ ಜಬಾನೋಫಿಕನಿ चुगली ना करा जबानो दिल न तो फीक देवी दिल न तो फीक देवी किसी का बुरा न चाह नेक साथ रला के तोरी रबा ने साथ रला के तोरी रबा सानू जहानो ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਨ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਨ ਕਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ नाम है तेरा बरकत वाला अल्लाह तू है, है रहमत वाला नाम है तेरा बरकत वाला देती है हर चीज़ गवाही पाक है तेरी जात अलाही तू ही मालिक तू ही रब है वो तेरी शान अजब है और सूरज फूल तारे तूने बनाए कितने प्यारे हमको राह दिखाना नेकी के रास्ते पे चलाना इज्जत देना हिम्मत देना इलम किया रब दौलत देना इलम किया रब दौलत देना अल्लाह तू है प्यारा सबका प्यारा सबका सहारा सबका दिन का मालिक रात का मालिक दुनिया की हर बात का मालिक तू ही मी बरसाने वाला खूब जो गाने वाला बंदे हैं हम सारे तेरे हमको हम सब को तू नेक बना दे सबके दिल को एक बना दे उनको ए, उनको इस मशीन से यहाँ पे जूस में निकाला जा रहा यहाँ पर देखे जूस निकाला जा रहा है और साथ इधर आ रहा है तो, ऑरेंज को बहुत मीठे ऑरेंज को मार्केट गाजर के साथ मिला के पिए या सेब के साथ पिए गर्मियों में बहुत तकबीत देते हैं ताकत देते हैं यहाँ पे देखें इस तरह गन्ने से जूस निकलता है मशीन से एप्पल का जूस निकल रहा है प्योर जूस निकल के इसमें जमा हो रहा है और बाकी जो कचरा है वो इधर कंटेनर में पड़ रहा है यहाँ पर देखें तो ये सारे का सारा जूस बनाने का फ्रेश जूस बनाने का तरीका है मेरे प्यारे बहन भाइयों यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्मूदी के आइडियाज़ दिए हैं कौन कौन से फ्रूट का आप स्मूदी बना सकते हैं अपने घर में फूल फलदार फूलदार पौधे लगाएं जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होगी आपका घर बहुत खूबसूरत लगेगा और साथ में फल फूल भी खाने को मिलेंगे स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेगी और सेब वगैरह खाने को मिलेंगे जो भी फल फ्रूट है हीले में ही वसीला है अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा मेरे बहन भाइयों और हर गिज़ फ्रूट को ज़ाया ना करें अपने घर में बच्चों को जूस बना के दें ताज़ा जूस बना के दें आर्टिफिशल जो भी फ़ूड होता है प्रजर्व्ड जो भी फूड होता है उसमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं इसलिए ताज़ा खा ताज़ा पिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे अगर मेरा चैनल देसी बीबी जो कि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल बेलाइक का बटन दबा दें लाइक का बटन दबाना भी ना भूलें अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें और कॉमेंट सेक्शन में लिख दें कि मैं काम कैसा कर रही हूँ अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आगे अपने बहन भाइयों को रिकमेंड कर दें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे आबाद रखे सेहत सलामती फरमाए आपकी रोज़ी में उम्र में बरकत ता फरमाए थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू सून विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग अल्लाह